असम अब दो भागों में बंटने वाला है, लेकिन बंगाल शासित टीएमसी इस बात को अपोज करते आ गई। जानना पड़ेगा कि कूच राजवंशियों की कहानी क्या है। असम अब दो भागों में बंटने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि असम के कूच राजवंशी कम्युनिटी, जो कि शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में शामिल होने की और अलग कामतापुर राज्य के फॉर्मेशन की मांग कर रही है। कूच राजवंशी के नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध किया है कि वो जल्द ही इस मामले में हस्तक्षेप करे और अलग कामतापुर राज्य की मांग को पूरा करे। यह मांग अभी से नहीं उठ रही है, यह मांग बहुत पहले से चली आ रही है, पर इसको जोर तब मिला जब 1995 में कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी केएलओ का गठन हुआ। इस पूरे मुद्दे को जानने के लिए हमें इतिहास में चलना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि कूच राजवंशियों की कहानी क्या है। यह सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कामतापुर, इस राज्य की हिस्ट्री सन 1257 से शुरू होती है, जब राजा संध्या ने इस राज्य को बसाया था। उनके बाद दुर्लभ नारायण और खेन डायनेस्टी का शासन चला, लेकिन 1498 में अलाउद्दीन हुसैन शाह ने खेन डायनेस्टी के अंतिम राजा को पराजित कर दिया, और यहीं से शुरू होता है हुसैन शाही डायनेस्टी की। उस समय अलाउद्दीन हुसैन शाह बंगाल के सल्तनत हुआ करते थे। अलाउद्दीन हुसैन शाह के बाद कामतापुर राज्य का शासन बाड़ो भुइया के हाथों में चला गया। बाद में 1515 में विश्व सिंह ने बाड़ो भुइया को हराकर कोच डायनेस्टी का स्थापना किया था। बोला जाए तो विश्व सिंह ही कोच राजवंशियों के पहले राजा थे। उनके बाद कोच राजवंशियों का प्रतापी राजा नर नारायण सिंह का शासन चला। अपने भाई शिलाराय के साथ मिलकर दोनों ने अपने राज्य का विस्तार किया था, और इनके समय में कूच डायनेस्टी का शासन पश्चिम के कड़ातोया रिवर से पूरब के बोर नदी तक फैला हुआ था। ऐसे ही समय बीतता गया, पर राजा नर नारायण सिंह का कोई बेटा नहीं था, तो इसी कारण शिलाराय के बेटे रघुदेव को राजा बनाने के लिए सोचा गया। लेकिन राजकुमार होते समय ही नर नारायण सिंह के घर एक पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम लक्ष्मी नारायण रखा गया था, और इसी कारण नियम के अनुसार लक्ष्मी नारायण को ही राजपाट मिलना चाहिए था, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। लक्ष्मी नारायण को कामतापुर राज्य का राजा बना दिया गया। इसी दुख में रघुदेव ब्रह्मपुत्र के लोअर वैली के कामतापुर हिस्से को अपना राज्य मांगने लगे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, जब तक नर नारायण जीवित थे तब तक इसे कूच राज्य के नाम से जाना जाता था, किंतु सन 1581 में राजा नर नारायण सिंह की मृत्यु हो गई। बाद में कामतापुर राज्य में थोड़े बहुत आंतरिक परेशानियां उत्पन्न होने लगी। यह परेशानियां इतनी बढ़ गई जिसके वजह से कामतापुर किंगडम दो भागों में बांट दिया गया। एक का नाम पड़ा कोच हाजो और दूसरे का नाम कूच बिहार। कूच हाजो शिलाराय के बेटे रघुदेव के हाथों में आया, और कूच बिहार नर नारायण के बेटे लक्ष्मी नारायण के हाथ में आया, जिसका बॉर्डर लगभग अभी के पश्चिम बंगाल और असम का बॉर्डर माना जाता है। कामतापुर राज्य इतनी बड़ी होने लगी थी कि यह आसपास के राज्य जैसे कि बंगाल, आहोम, भूटान आदि के लिए सरदर्द बन गई थी, और इसी बीच कोच आहोम कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। जब कामतापुर डिवाइड नहीं हुआ था तब उस समय अफगान और मुगलों ने कभी कामतापुर में हमला करने का साहस नहीं किया था, परंतु दो राज्यों में डिवाइड होने के बाद मानो कामतापुर की शक्ति खत्म सी हो गई थी। उसी समय लक्ष्मी नारायण और रघुदेव के बीच इतने विवाद होने लगे थे कि इन लोगों ने अपने सल्तनत को बचाने के लिए लक्ष्मी नारायण ने मुगलों के साथ जा मिले, और इधर रघुदेव आहोमों के साथ अपनी मित्रता बनाने लगे। इसी बीच ऐतिहासिक सरायघाट युद्ध भी हुआ था। अगर आपको जानना है कि सरायघाट युद्ध क्या है, तो इसके बारे में हमने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे ही 17th सेंचुरी आते आते मुगलों के शासन की समाप्ति होने लगी थी, और साथ ही साथ
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव कामतापुर और कूच में पड़ने लगा था। अंत में 1773 में कूच बिहार ट्रीटी साइन हुआ, जहां कूच बिहार ने अंग्रेजों की जागीरदारी को स्वीकार कर लिया और बाद में प्रिंसली स्टेट बन गया। पार्टीशन और भारत के आजाद होने के बाद कूच बिहार भी भारत के साथ 28 अगस्त 1949 को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और लास्ट प्रिंसली किंग ऑफ कूच बिहार के साथ एग्रीमेंट के बाद यह भारत में जुड़ गए। बता दें आपको कि कूच बिहार को टाइप सी स्टेट की कैटेगरी में डाला गया था, लेकिन कूच बिहार को 1949 में ही दो भाग करके बंगाल और असम में विभाजित कर दिया गया। तभी से बंगाल और असम में कूच राजवंशियों के लोगों ने कामतापुर को सेपरेट राज्य बनाने की मांग करने लगे थे। 2021 में असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने अनाउंस किया था कि केलो और सेंटर के बीच में एक प्रोसीड्यूर बनाया जाएगा, जहां दोनों तरफ से अस्थायी शांति लाने की बात की जाएगी। लेकिन बंगाल शासित टीएमसी इस बात को अपोज करते आ रही है, क्योंकि बंगाल के 6 स्टेट जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा और कोच बिहार इसके अंदर आने वाले हैं। वहीं आसाम से भी 4 स्टेट धुबरी, कोकराझार, बोंगाईगांव और ग्वालपाड़ा कामतापुर में शामिल होंगे। इस मांग के कारण आने वाले समय में हो सकता है कि आसाम और बंगाल दो भागों में विभाजित हो जाए और एक नया राज्य कामतापुर देखने को मिले। आपको इससे क्या लगता है, यह डिवीजन सही है या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।